बॉम्बिंग केस को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है। NIA के साथ पुलिस और CRPF के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बीच गुजरात में कोरोना केसों की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात में शनिवार को 51, रविवार को 48 और सोमवार को 45 पॉजिटिव केस सामने आए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिरोजपुर रैली के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक बरतने पर मान सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन पंजाब सरकार के 9 बड़े पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। स्विस कंपनी IQ एयर ने मंगलवार को 2022 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। इससे पहले यह 5वां सबसे प्रदूषित देश था। रिपोर्ट में पहले नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर शहर, दूसरे नंबर पर चीन का होटन शहर है। अमेरिका में हेट क्राइम के मामलों में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा मामले अश्वेत लोगों के खिलाफ अपराध के हैं। सोमवार को FBI ने हेट क्राइम 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत 2020 के मुकाबले 2021 में हेट क्राइम के 945 मामले बढ़े हैं। US, UK, ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे 8 परमाणु पनडुब्बियां। चीन को घेरने 20.19 लाख करोड़ की डील। पहली बार तकनीक देने के लिए राजी हुआ अमेरिका। वहीं दूसरी ओर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ट्विटर पर सत भक्ति से सर्व सुख नाम का #टैग ट्रेंड करवाया गया, जिसके द्वारा उन्होंने संत जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से मिलने वाले लाभों के बारे में समाज को संदेश दिया।